एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन एक चूहा घर में दाखिल होता है फिर वो हल्ला गुल्ला मचा देता है। पेश है बच्चों के लिए जोश से भरी कहानी। चूहा सिकंदर घर के अंदर। ये कहानी के लेखक है सौम्या राजेंद्रन, चित्र बनाए हैं तनया व्यास और हिंदी में अनुवाद पूनम एस कुदेसिया। ये प्रथम बुक्स पब्लिकेशन की पेशकश है। एक बार घर के अंदर एक चूहा आ गया। सबसे पहले उसे दादी माँ ने देखा। वो जोर से सोफे पर कूदी और चिल्लाई, चूहा! सारे कुशन फर्श पर गिर गए। लपक कर खिड़की पर चढ़ते हुए पापा ने पूछा, कहाँ कहाँ? उन्होंने सारे पर्दे उखाड़ दिए। माँ ने जोर से कहा, वहाँ! और मेज पर चढ़ गई। सारी प्लेटें फर्श पर धड़ाम से गिर गई। मिथुन ने पालतू बिल्ली से कहा, पकड़ो उसे। बिल्ली ने चूहे को देखा और बिस्तर के नीचे दुबक गई। मिथुन चिल्लाया, चूहा! और वो बिल्ली के साथ भाग गया। मैं भगाती हूं इसे, माँ ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। उन्होंने झाड़ू निकाला और चूहे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी पापा चिल्लाए, चूहा तुम्हारे पीछे! चूहा देखते ही माँ बिस्तर के नीचे छुप गई। दादी सोफे से नीचे उतरी और बोली, मैं जानती हूं कि क्या करना है। फिर उन्होंने अखबार को मोड़ा और उसे इधर उधर खोसने लगी। चूहा वहां तुम्हारी बाई तरफ! पापा खिड़की पर और ऊंचे चढ़ते हुए चिल्लाए। दादी ने चूहे को देखा और बिस्तर के नीचे जा छुपी। पापा ने धीमे से कहा, अब क्या करूं? वो खिड़की पर और ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। वो खिड़की से नीचे उतरे और इससे पहले कि चूहा उनको देखता वो बिस्तर के नीचे घुस गए। घर के अंदर चूहा! सब एक साथ चिल्ला उठे। शोर से छोटी जग गई। आंखें मलते हुए वो अपनी दरी पर बैठ गई। अरे उसके तकिए पर वो क्या था? उसकी दो आंखें, चार पाव और एक लंबी पूंछ थी। चूहा ये! खुशी से ताली बजाते हुए छोटी ने कहा। छोटी ने चूहे को देखा और चूहा भागने लगा। छोटी उसके पीछे लपकी। सोफे पर छलांग लगाकर, खिड़की पर चढ़ते, मेज पर कूदते, तकियों पर कलाबाजियां खाते, पर्दों के बीच से दौड़ते, प्लेटों पर से फिसलते हुए सीधे दरवाजे से बाहर। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।